नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारा परसेंटेज चल रहा है और आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है, तो हम कल बता रहे थे कि किसी की आय और व्यय के बारे में, किसी ने कितनी आय की और कितनी व्यय की। तो इसमें एक लैंग्वेज बदल के आता है क्वेश्चन, क्या कि यदि किसी व्यक्ति की आय सॉरी कि व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 3:2 है, तब यदि उसकी खर्च में 20% वृद्धि कर दी जाए, तब उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह जैसे पूछे कितने परसेंट बढ़ जाएगी, या कुछ ही पूछो हिसाब से निकल जाएगा सवाल बाद में। ये तक मैंने आपको लैंग्वेज बताई है, क्योंकि वैल्यूम देकर के फॉर्मेट देगा अनुपात में। अगर 3:2 बता रहा है, अगर मान लीजिए देखिए इनकम या आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और सेविंग मतलब बचत। खर्चे और बचत का अनुपात है 3:2। अगर वो 3 रुपए खर्च करता है, 2 रुपए बचाता, तो कहने का मतलब तनख्वाह कितनी होनी चाहिए भाई। अगर हिसाब लगाया जाए कि कोई भी है, उसे कुछ भी रुपए मिलते हैं, उसमें से 3 हिस्से वो खर्च कर देता, 2 हिस्से बचाता, टोटल जोड़ के 5 हिस्से भाई आपको 1,000 रुपए मिलते हैं। आप उसमें से क्या करते हो, 500 रुपए खर्च कर देते हो, तो बचते कितने हैं, 500 रुपए तो बचते हैं। वही लिखा हुआ है कि अगर 3 रुपए खर्च कर दे तो 2 रुपए से बच जाते हैं, तो ओवरऑल तनख्वाह कितनी हुई, 5 रुपए। तो अगर इसमें 100 की इसमें फॉर्मेट है, उसको मान लो 500 रुपए उसकी आय है, मान लो ये तो इसमें सब कुछ 100 के फॉर्मेट मानना होता है, परसेंटेज में सब 100 होता है। तो मान लो 500 रुपए आय है, तो 300 रुपए वो खर्च कर रहा है और 200 रुपए बचा रहा है, सही है ना, ऐसे कर रहा है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, इसमें एक लाइन मिस हो गई है थोड़ी सी, कि यदि एक लाइन बीच में लिख लीजिएगा नोट में, यदि आय 30% बढ़ा दी गई हो, मतलब आय में 30% की वृद्धि हो गई और व्यय में 20% की वृद्धि हो गई है, तो आय यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 30% भैया 500 का 30% कितना होता है, 150 रुपये। कैसे निकला देखिए, 500 × 30/100, ये तो आपकी तरह से निकाल रहा हूँ कि जिससे ये 2 जीरो काटी, मैंने क्या किया आगे वाले 5 की गुणा इस 30 के साथ कर दी, 30 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 1 जीरो भी लगा दे, 150 रुपये बचे ना, तो 30% 150, 2 जीरो तो कट ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट। थोड़ा दिमाग में भी लगाना शुरू करो कि हमें जीरो कहाँ पे काटनी है, कैसे काटनी है, इसको सीखना शुरू करो थोड़ा सा, तो ही समझ आएगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। चलिए ये तो मैं आपको बता रहा था बस, तो कितने हुए 30%, 150 रुपये। तो अगर 150 रुपये आय बढ़ गई, तो पहले कितने थे 500 रुपये, 150 रुपये और बढ़ गए, तो कितने हुए 650 रुपये हो गए साहब, हो गए 650। अब खर्चा कितना बता रहा है, खर्चा बता रहा है 20% बढ़ा दिया, तो मतलब इस खर्चे का 20% बढ़ाया है, ना कि आय का। खर्चा कितना है हमारा 300 रुपये, 20% बढ़ोतरी, 20% कितना था 300 का, 60 रुपये, 3 × 2 = 6, 2 जीरो कट जाएंगी, याद रहेगा ना, 60 रुपये, 60 रुपये और जोड़ दो इसमें, तो इसने कितने खर्च किए, 360 रुपये खर्च कर दिए। अब उसे बचत कितने की हो रही है बताइए,
650 माइनस 360 आप लोगों के लिए करके बता रहा हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आता है वो सब सीख लें। 0, 9, 2, 290 रुपये। तो 290 रुपये की बचत हो गई उसे। अब पूछने लगे कितने परसेंट की हुई भाई, ये भी तो पूछ सकता है कितने परसेंट की हुई, तो कितने रुपए बढ़े? 90 रुपये। कितने का? 200 रुपये का। परसेंट के लिए 100 की गुणा, किसी चीज को प्रतिशत बदलना हो तो 100 गुणा कर दो, ठीक है। अब कर लो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 45 बार कट जाएगा, 45% की बचत आंसर। अगर परसेंट में पूछे तो 45% की बचत हुई है, अगर वो पूछे रुपए में तो 90 रुपए की बचत हुई है। समझा? दो सवाल बन गए यहाँ पे। अच्छा, इसमें और किस तरह का सवाल आता है? दरअसल मैं ना भी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ किस किस तरह के सवाल इसमें आते हैं। कल भी मैंने आपको इसलिए 2-4 उदाहरण करके बताए थे, क्योंकि फिर बाद में करेंगे। आप एक काम करिए, जो जो तरह के उदाहरण होते जा रहे हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस अपने आरएस अग्रवाल या जो भी मैथमेटिक्स उससे निकालते जाइए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको यहाँ समझाएंगे। सही है? और जैसे जैसे क्वेश्चन होता रहे उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए पीछे होके, या कॉपी पेपर पेन ले लीजिए ताकि आप उसमें लिखते रहें साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप ये है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, ठीक है, तथा 30% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो गए, यदि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% हो, सही है, या इसके लिए 10% हो, आपको समझने में आसान रहेगी। दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी 10% हो, तब एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या बताओ, यदि कुल विद्यार्थी 800 हैं, मतलब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 800 है, तो बताइए एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हो गए फेल, तो पूछ रहा कितने? एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी 40% किस में फेल हुए भैया? ये हुए हैं मैथ में। 30% किस में हुए हैं? इंग्लिश में। और दोनों में कितने हुए हैं? तो 10%। अब क्या होगा कि जो कॉमन है ना 10%, ये दोनों से घटेगा, इसका इसका अंतर 30, तो भैया टोटल 30% तो मैथ में हुए हैं, इसका इसका अंतर 20% हुए हैं इंग्लिश में। समझ आया? 30% तो मैथ में फेल हुए, 20% इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो कुल फेल विद्यार्थी कितने हुए एक विषय में? क्योंकि ये 10% तो दोनों में थे, ये भी एक विषय में है मैथ में, और ये भी एक विषय में इंग्लिश में, तो जो दोनों आते हैं, कॉमन जो आता है उसे घटा दिया जाता है। इसी तरह से इस कॉमन को घटा दिया गया है, समझ आ रहा है? तो कुल फेल कितने हुए? 50%। जब 50% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 50% ही हुए होंगे, है ना, क्योंकि 50% तो फेल हो गए,
है ना, तो पास कितने होंगे, 50% पास हो गए होंगे। तो अब एक काम कर लो, इसका निकाल दो 50% कितना होता है। अगर मतलब 800 का 50%, 8 × 5 = 40, और वैसे भी दिख रहा है 800 का 50% आधा करना है, मैंने कहा था ना फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो 800 का 50% आधा 400 विद्यार्थी, तो 400 विद्यार्थी आ जाएगा आंसर। आंसर समझ आया सवाल, तो यहां पे आएगा 400 विद्यार्थी। आपको अगर वैसे निकालना है तो 800 × 50% / 100, 100 से दो जीरो कट जाएंगी, 8 × 50 = 400 विद्यार्थी। भैया 50% फेल है तो 50% पास होंगे ना, इसीलिए आधे फेल है तो आधे पास है, है? तो आंसर ही ऐसा आ जाता है, समझा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। मैं आपको हर तरह के सवाल करा रहा हूं, ठीक है ना, परसेंटेज में जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए और लगातार करते रहिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरअसल इसमें ना कई तरह के आते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी परीक्षा में पैंसठ 65% बालक गणित में पास हुए तथा 40% बालक इंग्लिश में 45 लिख लीजिए इंग्लिश में पास हुए, यदि दोनों विषय में फेल होने वालों की संख्या 15% हो तथा विद्यालय में 5000 विद्यार्थी हों, तब कुल पास हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ। समझ आया, या पास की पूछ लिया, फेल की पूछ लिया, अलग अलग पूछ सकता है इस तरह से, कैसे देखो ध्यान से देखना इसमें क्या फर्क है। पिछले सवाल में इसमें पास किसमें, इंग्लिश में कितने परसेंट पास हैं, 45%, मैथ में कितने परसेंट पास हैं, 65%, तो फेल कितने होंगे भाई, 45% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में से घटा दो कितना बचा, 55% ही तो होंगे। और अगर मैथ में 65% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 35%, ठीक है। और दोनों विषय में फेल 15%, अभी समझ में आया। अगर हमें फेल का आंकड़ा दिया है तो हमें पहले फेल का ही आंकड़ा निकालना पड़ेगा कि टोटल फेल कितने हैं, हैं? तो ये दोनों विषय के फेल निकल आए, तो ये मान लो ऐसे ये फेल वालों का है, फेल कितने हैं, इंग्लिश में 55, इसमें 35, बल्कि ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पे घटा के लिखेंगे, कैसे, ये जो 15 है ना इसे 55 में से घटाओ कितना बचेगा, 40 और 15 55, क्योंकि कॉमन है ना,
देख रहे हैं ना, 40 50 55, इधर भी 35 में से घटा दो, क्या बचेगा 20। तो 40% इंग्लिश में फेल है, 20% मैथ में फेल है, ठीक है। तो आप अलग अलग निकाल सकते हो, मैं सारे आंकड़े निकाल देता हूँ, फेल कितने हुए और पास कितने हुए, दोनों बता देता हूँ अलग अलग। अब यहां पे देखिए क्या करते हैं, कितना है 60%, 60% कितने का 5000 का, अगर 5000 का 60% निकालें कितना आएगा 3000। अब फिर पूछेंगे कैसे आएगा, तो 3000 फेल हैं, 3000 फेल है, 2000 पास हैं, सही है ना। अगर 3000 फेल है 2000 पास हैं, क्योंकि दोनों को जोड़कर टोटल 5000 ही तो है। आ रही समझ में? नहीं आ रही, दोबारा बता देता हूं कि ये 40 जोड़ के और ये 20 जोड़ के 60% हो गया। ये थे कौन से? फेल वाले। फेल कितने हुए? अगर 60% फेल हैं तो 5000 जो विद्यार्थी कुल हैं, 5000 का 60% कितना होगा, 60 × 5000 / 100, 100 से दो जीरो कट गई, 5 × 6 = 30, 10 ये, 10 ये, दोनों जीरो लगा दो तो कितने हो गए, 3000 बच्चे फेल हो गए। अब पास कितने होंगे? पास हो जाएंगे 5000 में से घटा दो, 2000 बच्चे पास हो गए। या आप सीधा सीधा निकाल सकते हो, 60% फेल हो गए तो पास कितने हुए 40%, तो 40% निकाल लो आप इसका, 40 × 5000 / 100, ये दोनों जीरो काट दो, 4 × 5 = 20, 2000 बच्चे पास, यही निकल गया हमारा यहाँ भी, देखिए ठीक है। तो एक ये तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको फेल भी बता दिए हैं और पास भी बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि जैसा यही सवाल है कि अगर किसी एक विषय में, मतलब मैं इस बार लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकें, आपको समझा दूंगा, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, फेल एक तरफ लिख लो, पास एक तरफ लिख लो, अगर इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, ठीक है, मैं उस पर गोला कर रहा हूँ जो जो हमें पता है, तब तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे भैया? अगर 40% फेल हुए हैं तो 60% पास होने वाले हो जाएंगे इंग्लिश में, और मैथ में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, 30% है। कौन से? पास होने वाले बता दीजिए ना मैथ में। तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे भैया? फेल होने वाले 70% हो जाएंगे। कहने का मतलब हमको ना वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, घटाना सब 100 में से ही है, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है ये वैल्यू हमने फाइंड किया है, जिसको हमने गोले में बंद किया ये वैल्यू हमें पहले से पता थी, ठीक है। अब बोथ सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितने हैं? बोथ सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट अगर 30% हैं, ठीक है ना, बोथ सब्जेक्ट में पास जो हैं 30% बता दिए हैं, और विद्यालय में टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हुए 7000 हों, तब पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि बता दो कि टोटल फेल कितने, मैं सारे बता देता हूं, इसमें फेल कितने हुए, पास कितने हुए, दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं अलग अलग। तो ये मान लीजिए 70 स्टूडेंट हैं और ये कितना, ये 60 स्टूडेंट हैं, पास वाले हैं, पास वाले, ये पास का आंकड़ा है, ठीक है, पास, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में पास दे रखे ना, हमें जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होता है ना वो निकालना है। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दे रखा होता
तो हम फेल से निकालते, दोनों सब्जेक्ट में पास दे रखा है तो पास से निकालेंगे, निकलेगा ऐसी से, याद रखना ये बात, जो दोनों सब्जेक्ट में दिया वो निकालेंगे। तो कितना है हमारा 30%। अब ये 30% कॉमन है तो इसे यहाँ से करके यहाँ से घटा दो डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस घटाना नहीं है डिफरेंस करना, क्योंकि संख्या बड़ी भी तो हो सकती है ऊपर वाली। तो 70-30 का डिफरेंस 40 और 60-30 का डिफरेंस 30। तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए 40% और 30% 70%। अब 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, तो 70% कितने का 7000 का, कितना हो जाएगा 4900, कितना 4900 विद्यार्थी पास हो गए बटे 100। मैं आपको करके दिखाना पड़ता है ना, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी। 49 और एक जीरो ये यहाँ गई और एक जीरो ये वाली यहाँ गई, ऐसे 4900 तो भाई साहब हो गए पास। तो फेल कितने रहे भाई, जब 70% पास थे तो 30% या तो ये निकाल लो भैया, 30% गुणा 2100 आ जाएगा, या फिर आप 4900 को 7000 में से घटा लो, 4900 को घटा लो तो अभी आपका 2100 आ जाएगा। बात एक ही है, सवाल इसी तरह से होना है, समझ आया। तो एक तो ये सवाल आता है, अभी आपको एक नया सवाल बताऊंगा इसके बाद, वो लैंग्वेज बेस्ड है, दो सवाल और कराएंगे भी कम से कम जो लैंग्वेज बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चन करते रहिए, और इस बेस पर जितने भी सवाल आपके मैथ्स में ने करके देखे ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में आते ही आते हैं, मतलब मैं आपको कोई भी वो सवाल नहीं करा रहा हूँ जो परीक्षा में नहीं आता है, मैं आपको वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो इस तरह से लैंग्वेज बेस्ड है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 108 अंक से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा वह पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 22 अंक अधिक अर्जित करता है, परीक्षा का पूर्णांक बताओ। इसमें तीन सवाल बन सकते हैं, कितने परसेंट में पास हो रहा था, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, अलग अलग तरह सवाल बनते हैं, अलग अलग तरह के सवाल मैं आपको बताऊंगा करके। देखिए क्या कह रहे हैं, एक विद्यार्थी ए, उसको कितने अंक मिलते हैं 30%, कितने अंक से फेल हो गया 108 अंक से। दूसरा विद्यार्थी बी, इसको कितने अंक मिले 40%, कितने अंक से फेल हो गया 22 अंक से। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है सवाल, बहुत कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना फालतू का, सीधी बात नो बकवास। क्या कह रहे हैं यहां पे कि 30% अंक मिले उसे 108 अंक से हो फेल हो गया, एक को 40% अंक मिले हो 22 अंक से पास हो गया, उससे 22 अंक से मिले हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि पूर्णांक कितना है, कैसे निकालें भी पूर्णांक। तो देखिए ये 30% और 10% का अंतर कितना है, 30% 40% का अंतर 10, इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब सीधी बात ये है कि जो अंक है 108 और ये 22, इनको जोड़ देंगे हम, कितना आएगा 8 2 10 3 130, यानी कि ये 10% 130 के बराबर है।
अब पूछेंगे ये 10% 130 के बराबर क्यों है, तो समझिए अगर एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 108 अंक से फेल हो गया, तो कहने का मतलब ये जो 108 अंक थे अगर इसे ये मिल जाते तो ये पास हो जाता कहीं बीच में, कहीं मान लो 35 पे पास हो जाता, सही है, ऐसा मान लो 35 होता तो 35 से पास होता। अब दूसरे को 40 मिल गए, लेकिन 40 वाला क्या हो 22 अंक ज्यादा है उसके, 22 अंक कितने से ज्यादा है इस 35% से, तो ज्यादा है 22। भाई यहां पे इधर से 108 मिल जाते 35 से पहुंच जाता, ये 22 अंक और जुड़ोगे तो 35 से ज्यादा पहुंच गए, 40 पहुंच गया 22 अंक जुड़ते ही। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये जो 5% ऊपर वाला है जितना भी बीच का हिस्सा है टोटल जो डिफरेंस है इनका 10% है, तो 10% जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा, ये कंपलसरी है, फिक्स है, हर सवाल में याद रखिएगा कि इसका जो 10% डिफरेंस होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। मैं आपको इसी फॉर्मूले से नहीं सिखा रहा हूं, बेसिक मैथ सिखा रहा हूं जो मैथ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, तो यहां पे हमारा कितना हो गया 10% और ये हमारा 108 और 22 जोड़ हो गए 130। देखिए अभी आ गया फेस टू फेस का रूल, आपको याद है मैंने फेस टू फेस का रूल सिखाया था पहली क्लास में, अगर 10% बराबर 130 यानी कि 13 की गुणा हो रही है तो नीचे 100% में भी 13 की गुणा कर दो, 1300 पूर्णांक है आंसर। अब कोई पूछने लगे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, पास होने के लिए आवश्यक अंक तो ये कितना था 30%, 1300 का 30% कितना होता है 13 39, यार अब तो याद कर लो कम से कम 390, कितना 390, क्योंकि दो जीरो नीचे वाले 100 से कट जाएंगी और 13 39 390 बचेगा, और 390 में कितना जोड़ दो, कितने से फेल हो गया था 108 से, तो इसमें 108 और जोड़ दो 8 9 4, तो 498 अंक चाहिए पास होने के लिए, मतलब अब 498 कितने परसेंट है वो भी आप निकाल सकते हो अलग अलग तरह से, ठीक है ना। तो ये था पूछेगा यही कितने परसेंट पास होने के लिए चाहिए थे, तो 498 अंक चाहिए इस परीक्षा में पास होने के लिए, समझा। कहने का मतलब आप एक सवाल से कितने भी सवाल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए आपको एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद कराएंगे और क्वेश्चन जो दूसरा के ए, मैं अब इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, लैंग्वेज में लिख रहा हूं क्या, कि एक विद्यार्थी को पैंतीस परसेंट अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया, कितने से 40 अंक से, दूसरे विद्यार्थी को 50% अंक मिले, वह 20 अंक से पास हो गया, मतलब पास होने के लिए 20 अंक अधिक थे, पास से वह पास से 20 अंक अधिक लाया, ठीक है। तब पूछ रहे हैं पूर्णांक बताओ, तो कैसे बताएंगे पूर्णांक भैया, तो इसका है 35% ए को 35% अंक मिले और कितने अंक से फेल हो गया 40 अंक से, बी को 50% मिले कितने अंक से पास हो गए अधिक हुए 20 अंक, इनका डिफरेंस कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 60, मतलब 15% जो है वो 60 अंक के बराबर है, समझा, 15% 60 अंक के बराबर है, तो कुल कितना बैठेगा, यदि अब यहां फेस टू फेस का रूल, यदि 15% बराबर है 60 अंक के
तो 100% कितना होगा 400 के, आपको फिर बताना पड़ेगा कैसे। देखिए 15 × 4 तो इसमें भी गुणा 4 आंसर। अब ये 400 अंक हो गए। अब पूछने लगे कि जी पास होने के लिए कितने परसेंट आवश्यक अंक थे, तो 400 का 35% निकाल लो, या एक काम करो 400 का 50% निकाल लो, 200 आसानी रहेगी, 20 अंक अधिक है 20 अंक कम कर दो, यानी 180 अंक चाहिए पास होने के लिए। अगर किसी को पास होना है तो उसे 180 अंक चाहिए, ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, समझ आया दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब कल कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो होंगे चुनाव से संबंधित, क्योंकि सवाल आते हैं चुनाव से संबंधित, वो भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं वैसे। पर आज की क्लास यहीं खत्म होती दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको एक देता रहूँगा लगातार मैथ्स की क्लास, डेली एक क्लास आपको मिलती रहेगी, प्लीज़ देखिए ज़रूर, ठीक है। नमस्कार।